शंकराचार्य मध्यमाचार्य पर्यता परंपरा श्रुति स्मृति पुराणा महाभक्तनामा शंकर 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 शंकराचार्य केशव बाजराय सूत्र भाष्य वंदे भगवंत पुनः ईश्वर पाठ में आगे 170 अंक में तत्व दृष्टि शंका उठा रहा है जीव ब्रह्मणो स्वरूप भेदात तयोः ऐक्यम असंगतम इति शंका। तो पहले क्या कह रहे हैं कि ये जीव और ब्रह्म में स्वरूप से भेद है। स्वरूप से भेद कैसे है कि ब्रह्म नित्य मुक्त है और जीव बद्ध है। स्वरूप से ब्रह्म ईश्वर क्या है सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है और स्वरूप से ही ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव अल्पशक्तिमान है इत्यादि ऐसे भेद है। अज्ञानी जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है ऐसा प्रश्न आ रहा है, इसीलिए शंका उठा रहे पूछ रहे। तो पुण्य पाप का जो करता है जीव वो ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा, जो जन्म मरण रहित है ब्रह्म उसके साथ ये जीव जन्म मरण इत्यादि षड्विकार वाला कैसे एक हो जाएगा। इसलिए क्या है कि ब्रह्म और मुझ में स्वरूप को लेकर मिथह भेद है। ब्रह्म मुझसे भिन्न है और मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, ऐसे हमने पिछले पाठ पर में देखा था। तथा द्वयोः ऐक्यम नैव घटेत, इसलिए दोनों में मुझ में और ब्रह्म में एकता नहीं हो सकती ऐसे बुद्धि से निर्णय हो रहा है, क्योंकि मन संशय उठा रहा और बुद्धि मन से प्रभावित होकर यही निर्णय ले पा रही है कि ऐक्य तो संभव नहीं है। तो अगर बुद्धि को विरुद्ध निर्णय लेना होगा तो संशय हटाना होगा, क्योंकि संस्कार वशात जो इतने जन्म से अनादिकाल से प्राप्त है भेद, वो मन में संस्कार जो है वो केवल बुद्धि से नहीं जा सकता तर्क के द्वारा। इसीलिए क्या है कि बार बार उपदेश की आवश्यकता है, शंका निवारण की आवश्यकता है। इसीलिए उसने कह दिया यद्यपि, आगे कह रहा है यद्यपि जन्मादि संसार परमार्थतः मय्यपि नास्ति एव। जैसे आपने पढ़ाया वैसे जन्मादि संसार जो है जन्म आदि पद से बाकी पांच विकार भी ले सकते, जन्म से मरण तक लेकर जो है वो सब संसार ही है और वो संसार जन्मादि एव संसार है, वही संसार जो है परमार्थतः मय्यपि नास्ति एव, परमार्थ दृष्टि से मुझ में नहीं है। जो आपने पढ़ाया वो तो समझ गया मैं कि परमार्थ दृष्टि से, पर व्यावहारिक दृष्टि में जहाँ संसार है, जहाँ मुझे उसका अनुभव हो रहा है, उस दृष्टि से तो मुझे समझना है कि कैसे ऐक्य संभव होगा, क्योंकि दृष्टि तो व्यावहारिक है। व्यावहारिक में पारमार्थिक दृष्टि समझ भी ली, फिर भी व्यावहारिक में वो भेद, उस भेद का निवारण नहीं हो रहा है, ऐक्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है।
माने मुक्ति अवस्था में भले ही मैं ब्रह्म हूं किंतु संसार अवस्था में कैसे हो पाऊंगा, ऐसी शंका है उसमें। तथापि, इसीलिए क्या कह रहा है, तथापि यद्यपि के साथ तथापि मिथ्या भूत जन्म मरणात्मक संसार मयि स्वप्नवत भ्रांत्या प्रतिभाति। तो मिथ्या भूत माने व्यवहार, व्यावहारिक सत्ता में, व्यवहार काल में जो मिथ्या भूत संसार है, भले ही आप कह रहे स्वप्नवत, स्वप्न जैसे मुझ में संसार, कौन सा संसार, जन्म मरणात्मक, जन्म मरण इत्यादि जो स्वरूप है संसार का, वो संसार मिथ्याभूत है। चलिए पारमार्थिक संसार नहीं है पर मिथ्याभूत तो है, व्यावहारिक सत्ता में है। तो ये व्यावहारिक सत्ता मिथ्याभूत जन्म मरणात्मक संसार जो है मुझ में स्वप्नवत भ्रांतिया प्रतिभाति, भले ही मेरी भ्रांति हो पर भ्रांति से प्रतिभान तो हो रहा है, इसे दुख का भी प्रतिभान हो रहा है, दुख रूप संसार है। और ये अगर ब्रह्म के साथ मेरा ऐक्य हो, मैं अगर ब्रह्म हूं तो मुझ में भी इसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को तो स्वप्न नहीं दिखता। ये नहीं कह सकते कि ईश्वर स्वप्न देखते, परमात्मा स्वप्न देखते हमारे जैसे, ऐसे नहीं कहते। तो इसीलिए क्या है कि ब्रह्मणि तु तन नैव प्रतिभाति, तत् न प्रतिभाति। किम तत् स्वप्नवत जन्म मरणात्मक संसार न प्रतिभात, उसका प्रतिभान ब्रह्म में तो नहीं होता मिथ्याभूत संसार का। परमात्मा नहीं सोचते कि मेरा जन्म हुआ है, मरण होगा इत्यादि, इसीलिए वो भेद तो है, इसलिए ऐक्य सिद्ध नहीं होगा। मुझ में स्वप्नवत संसार है, भले ही स्वप्नवत है पर है, मैं स्वप्न देख रहा हूं। अगर जीव स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहा है, स्वप्न प्रपंच मुझ में कल्पित है पर ब्रह्म में कल्पित नहीं है। जागृत अवस्था में आपने स्वप्न तुल्य कह दिया पर स्वप्न तुल्य जो कल्पित है ब्रह्म में कल्पित नहीं है, तो ऐक्य कैसे होगा? उस दृष्टि से तो भेद होगा, उस दृष्टि को ही लेंगे तो भी भेद होगा। ऐसे कह रहा है जीव ब्रह्मणो इत्थम भेद सद्भावात ऐक्यम न संभवति। इसीलिए क्या कह दिया अंत में, इस विचार से क्या निर्णय निकला कि जीव और ब्रह्म में इस प्रकार से जो भेद हमने देखा, भेद सद्भावात, भेदस्य सद्भावात, भेद का भेद अवस्था है, ये वस्तु स्थिति है, इसीलिए क्या ये हेतु बनेगा ऐक्य संभव न होने के लिए। और ये क्या कह दिया अयम च प्रमेयगत संशय। ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये प्रमेयगत संशय है। प्रमेय माने क्या, कि मेय वस्तु जो है, मेय वस्तु क्या है, ऐक्यमेय है, प्रमाण प्रमेय। तो प्रमाण क्या है, प्रमाणगत संशय जाएगा श्रवण से और प्रमेयगत संशय जाएगा मनन से। तो पहले प्रमेयगत संशय बता दिया 170 में, क्या है कि ऐक्य जो सिद्ध हो गया है आपके लिए, जिसको सिद्ध मानकर आप समझा रहे, मेरे लिए तो सिद्ध ही नहीं हो पा रहा। प्रमाण माने क्या, श्रुति से जो, श्रुति में जो तात्पर्य विषय है, श्रुति का तात्पर्य क्या है, श्रुति कहती है कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य है, ये श्रवण से सिद्ध होगा। और इसलिए श्रुति क्या है, प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तो श्रुति क्या कहती है कि श्रुति का तात्पर्य क्या है, इस विषय में अगर संशय है तो उसको प्रमाणगत संशय कहेंगे, वो 171 में आएगा। और प्रमेयगत संशय क्या है, चलिए श्रुति कहती है मान लेते हैं, जैसे स्वप्नवत ये कह दिया, ये मैं मान रहा हूं कि मुझ में संसार कल्पित है, स्वप्नवत में मान रहा हूं, किंतु ऐक्य जो तात्पर्य विषय है वो भी श्रुति कहती है वो मान रहा हूं, पर वो संभव कैसे है? श्रुति कहती है ठीक है पर संभव कैसे है? मैं मानता हूं कि तात्पर्य विषय है प्रमाण में, फिर भी मैं जो जीव हूं
वो एक हो जाएगा ब्रह्म से। तो कोई जीव हो जाए, श्रुति कहती है चलिए कि कोई मुक्त हो गया है, संप्रदाय में ऐसे ऐसे दिग्गज आचार्य हो चुके हैं, आदि शंकराचार्य इत्यादि, जो संप्रदाय में जिन गुरु में मेरी भक्ति है वो सब मुक्त है। आप जो तत्वदृष्टि कह रहा है, आप जो हमें ज्ञान दे रहे, आप मुक्त हो, आपका ब्रह्म के साथ ऐक्य है, चलिए। ये श्रुति के तात्पर्य विषय को लेकर एकता सिद्ध हो गई आपके लिए। तो श्रुति जो कहती है वो ठीक है, और आप जो जीव हो वो ब्रह्म से अभिन्न हो वो भी ठीक है, पर मैं जो हूँ वो कैसे एक होऊंगा, ये प्रमेय का तो संशय। तो श्रुति कहती है ठीक है जी, कि श्रुति कहती है तत्त्वमसि, पर वो तत्त्व कौन है? सह सह का वो मैं नहीं, वो कोई और जीव होगा, मुक्त जीव होगा, पर मैं नहीं हो सकता, ये प्रमेयगत संशय हो जाएगा, कैसे संभव है। इसीलिए पहले प्रमेयगत संशय पूछ लिया कि मेय वस्तु, ब्रह्म जो वस्तु है उसके साथ जीव जो भी त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, और ब्रह्म क्या है? तत्पद का लक्ष्यार्थ है। तो ये तत्त्वमसि, तत् मैंने कहा सह सह या तत् ही नपुंसक लेंगे ब्रह्म, और त्वम क्या है? त्वम आप हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता, ऐसे संशय आ गया, क्योंकि त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी प्रमेय है और तत्पद का लक्ष्यार्थ भी प्रमेय है, दोनों में ऐक्य है वो भी प्रमेय है। असी पद तो तब समझ में आएगा जब ही तत् में संशय चला जाएगा शास्त्र से, और त्वम में क्या है कि मनन अधिक लगता है, इसीलिए मनन सिद्ध जो है वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए त्वम पद में संशय रह जाने से तत् तो शास्त्र द्वारा ही प्रतिपादित विषय है, पर जो ये है क्या कहते हैं कि त्वम पद जो है उसमें संशय अधिक है। तो वहाँ पे अधिक संशय है जब तक त्वम पद का लक्ष्यार्थ ठीक से मनन सिद्ध नहीं होगा, तब तक असी पद का फल नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रमेयगत संशय हो गया। अभी 171 में प्रमाणगत संशय पूछता है, शंका उठाते हैं तत्वदृष्टि, श्रुत्या कर्मोपासन विधिबलाच्च जीव ब्रह्म भेद शंका। तो ये प्रमाणगत संशय क्यों? क्योंकि श्रुति में भी केवल ऐक्य तात्पर्य विषय करके कैसे सिद्ध होगा, इसलिए श्रवण भी संपूर्ण नहीं हुआ तो प्रमाणगत संशय होगा कि तात्पर्य विषय क्या है। तात्पर्य विषय चलिए ज्ञान कांड में कुछ उपनिषद मंत्रों का या सारे उपनिषद का भी अगर तात्पर्य सिद्ध होगा तो भी कर्मकांड और उपासना कांड का तात्पर्य ऐक्य में कैसे सिद्ध होगा, और कोई तो जिसने अधिक अभ्यास किया है वो ये भी पूछ लेगा कि कहीं कहीं तो उपनिषद में भी मंत्र है वहाँ पे द्वैत सिद्धि होती है, अद्वैत सिद्धि नहीं होती, इसीलिए तात्पर्य विषय में भी संशय आएगा तो उसको प्रमाणगत संशय कहेंगे। तो वो कह रहे श्रुति में, श्रुति के द्वारा क्या क्या है, क्या क्या सिद्ध होता है, कर्म उपासना के लिए भी श्रुति प्रमाण है, इसलिए श्रुत्या श्रुति प्रमाण के द्वारा कर्म और उपासना की विधि होती है, और उस श्रुति को भी शब्द प्रमाण मानेंगे, और शब्द प्रमाण होने के कारण, विधि होने के कारण, उसके बल के कारण वो हेतु बनेगा किसके लिए? जीव और ब्रह्म में भेद सिद्ध होने के लिए। और अभेद आप कह रहे सिद्ध हो गया, और कुछ मंत्र से या कर्म से उपासना से क्या होगा? भेद भी सिद्ध होगा। तो दोनों में तात्पर्य विषय आ गया, भेद में भी तात्पर्य है कर्मकांड में, उपासना कांड में, और कहीं कहीं तो उपासना उपनिषद में भी, ज्ञान कांड में भी ऐसा मंत्र देखा जाता है जहाँ भेद की सिद्धि होती है, इसीलिए भेद और अभेद दोनों तात्पर्य विषय बन गए, तो उसमें से कौन सा एक ठीक होगा, इसीलिए शंका होती, आशंका होगी, इसीलिए भेद की शंका हुई। किसमें भेद? जीव और ब्रह्म के भेद के बीच में। क्यों? बल के कारण। किसका बल? विधि का बल। विधि कहाँ है? कर्म और उपासना में विधि है। कहाँ देखी जाती है, किसके द्वारा है ऐसा? शब्द प्रमाण के द्वारा, श्रुति के द्वारा। तो श्रुति में जो कर्म उपासना विहित है
उसके बल से जीव और ब्रह्म के बीच में भेद भी सिद्ध होता है, इसीलिए भेद शंका होगी। हे स्वामी मम संशयांतरम अपि जायते, इसमें क्या समास है, संशयांतरम अन्यः संशयः संशयांतरम, तो अन्य संशय हो गया, क्या संशय है मेरे लिए है, कह रहा है मम संशयः संशयांतरम अपि जायते, दूसरी संशय भी दूसरा संशय भी मेरे लिए उत्पन्न हो रहा है, आपके लिए भले ही नहीं हो, दूसरे किसी के लिए नहीं हो, पर दूसरे के ज्ञान से तो मुझे फल नहीं मिलेगा, मेरे शंका का निवारण होना चाहिए, इसलिए अपना अपनी शंका प्रकट कर रहा है। श्रुत्या एव वक्ष्यमाण प्रकारेण जीव ब्रह्मणोर भेद प्रतिपाद्यते, कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में भेद प्रतिपादित है, किसके द्वारा, श्रुति के द्वारा, वही श्रुति जो अद्वैत के लिए प्रमाण आप कह रहे हैं, जिसके द्वारा अद्वैत सिद्धि हो रही है उसमें भेद भी प्रतिपादित हो रहा है, भेद का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रतिपादित माने भेद का ज्ञान का जहाँ से प्राप्त है वो प्रतिपादक है, श्रुति प्रतिपादिका है, और कैसे किस प्रकार से, वक्ष्यमाण प्रकार, ये आगे बताएंगे। जो शंका जैसे उठी है उसका कारण भी बताएंगे, उपनिषद में ही है, कहते हैं तो क्या कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते द्वयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ती अनश्नन्यो अभिचाकशीति, ऐसे मुंडक मंत्र है, श्वेताश्वेत्र में भी आता है, तो मुंडक उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद का ही मंत्र है, ज्ञानकांड है, उसमें क्या मंत्र है, द्वासुपर्ण, द्वासुपर्ण दो 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 सुपर्ण, दो पक्षी है, उदाहरण दिया है दो पक्षियों का, सयुजा सखाया कि दोनों साथ में है, कहाँ पर है, शरीर में, शरीर में, शरीर जो वृक्ष तुल्य है उसमें दो आत्मा जो पक्षी तुल्य है वो वास करते हैं, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष में वास करते हैं, शरीर जो वृक्ष तुल्य है उसमें दो पक्षियों का वास है, एक आत्मा का दूसरा परमात्मा का, एक जीवात्मा का दूसरा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म का, तो ऐसे श्रुति कहती है, इसीलिए क्या है, दोनों में दो तो है, उसमें एक मैं हूँ जीव, उसके बारे में क्या कहते हैं, तयो हो अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, स्वादु पिप्पलम अत्ति, कि जो भोग करता है, एक तो क्या है कि अन्य, अन्य माने एक, दोनों में से एक, तयो हो, तयो हो द्वयो हो, दोनों दो पक्षियों के बीच में एक तो क्या है कि फलकारा है, जो अच्छा स्वादिष्ट है, स्वादु क्या है वो, कर्म फल, पक्षी फल खाती है पेड़ पे बैठ के, जैसे पक्षी फल खाते हैं, उसमें एक पक्षी फल खा रही है और दूसरा बैठ के देख रहा है, अनश्न अभिचाकशीति देखता है, अनश्न माने बिना खाए, एक पक्षी देख रहा है दूसरे पक्षी को खाते हुए, तो जो दूसरा पक्षी या पहला पक्षी खा रहा है दूसरा पक्षी देख रहा है बिना खाए, कौन है पहला पक्षी जो खा रहा है, वो क्या फल खा रहा है, स्वादु फल कर्म फल भोग कर रहा है जीव उदाहृत में, और जो देख रहा है वो पक्षी क्या है, दूसरा अन्य है, वो ईश्वर है परमात्मा, वो भोगता नहीं है, वो तो सर्वधी साक्षीभूत है, ईश्वर तो सब सब में साक्षी जैसे बैठे हैं, देख रहे हैं शरीर में कि ये क्या क्या कर रहे हैं, किसी से भी छुपा कर अगर कोई कर्म कर रहा है कि कोई किसी ने नहीं देखा, नहीं परमात्मा ने देखा, साक्षी रूप में हर शरीर में स्थित है, तो ये तो उपनिषद ही बता रही है भेद, इति ही श्रुति ही, ऐसे श्रुति वाक्य है, उसका अर्थ क्या है, अयम अर्थः मंत्र का अर्थ कहते हैं, बुद्धि रूपे एकस्मिन् वृक्षे द्वौ पक्षिणौ वसतः, बुद्धि रूपे, तो ये अंतकरण में, शरीर में कहाँ पे, अंतकरण में, अंतकरण में भी कहाँ पे, बुद्धि कहते हैं, बुद्धि रूप जो वृक्ष है उस वृक्ष में, एक ही वृक्ष में दो पक्षी हैं, दो पक्षिणौ वसतः, दो पक्षी वास कर रहे हैं, ताव उभाव अपि समान स्वभाव, और दोनों क्या है, दोनों एक ही स्वभाव के, ऐसा नहीं है कि
एक जड़ है और दूसरा चेतन है, दोनों ही आत्मा है, दोनों ही पक्षी है, एक ही जाति के पक्षी है। ऐसे नहीं कि कोई पक्षी कुछ फल खाता है, दूसरा पक्षी दूसरे जाति का पक्षी वो फल नहीं खाता, ऐसा नहीं है। एक ही जाति के पक्षी है तो एक अगर खा रहा है दूसरे को भी खाना चाहिए, क्यों नहीं खा रहा, तो दोनों में भेद है कोई। वैसे ही आत्मा, अगर जीवात्मा, दोनों आत्मा ही है, एक आत्मा जो कर्म फल का भोग कर रहा है वो जीवात्मा है, दूसरा भी आत्मा है वो क्यों भोग नहीं कर रहा, इसीलिए दोनों में भेद सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा है इसीलिए भोगता नहीं है। तो श्रुति भेद बतलाती है, तत्र एकः कर्मफल भोक्ता अपरः शुद्धः भोगरहितः असंगः सन् कर्मफल भोक्तारं प्रकाशयति। उसको देखता है मतलब उसको उस पर प्रकाश डाल रहा है, देख भी रहा है और प्रकाशयति, कि जीव को कर्मफल भोग करने के लिए क्या है कि कर्म उसने किया है, उसका भोग करने के लिए, उसके भोग के लिए वश में कर उसको उससे भोग करा रहा है। प्रकाशयति यानी यहाँ पे क्या है कि हेतुमति निजंत है, कारयिता प्रकाश कारयिता है, प्रकाश करता भी कह सकते हैं, प्रकाश प्रकाश डाल रहे माने उससे भोग करवा रहा है, देख रहा है माने क्या कि देख रहा है कि मैंने जो उसने जो कर्म किया था वो देख रहा है और उसको फल जो दिया है उसका भोग कर रहा है कि हो गया उसका, उस कर्म का भोग के द्वारा क्षय हो गया, ये परमात्मा देख रहे हैं। तो कह रहे तत्र एक, उन दोनों में एक जो है वो क्या है, कर्म फल भोगता है जीवात्मा, अपरा कौन है, शुद्ध है, ये कर्म फल कर्ता होने से भोक्ता बना इसीलिए अशुद्ध है, कर्म से जुड़ गया, कर्म के साधन से जुड़ गया, वैसे ही भोग से जुड़ गया, भोग के वस्तु से जुड़ गया और भोग के साधन से जुड़ गया, इसीलिए अशुद्ध है वो जीव है, और अपर जो है ईश्वर परमात्मा वो शुद्ध है, भोग रहित है, असंग है, संग नहीं है, न भोग्य के साथ संग है, न कार्य के साथ संग है, न करता है न भोगता है, ऐसा ईश्वर होकर असंग संग होता हुआ कर्मफल भोक्ता प्रकाशयति। कर्मफल भोक्ता जीव को पर प्रकाश डाल रहा है, जीव पर प्रकाश डाल रहा है माने उससे भोग करा रहा है, वो भी कह सकते कर्मफल दाता है जो ईश्वर। तो भोक्ता और दाता में तो भेद होगा ही होगा, अनयो हो कर्मफल भोक्ता जीव इति। ये कौन है कर्मफल भोक्ता, वो तो जीवात्मा है जो मैं हूँ, और अपरः परमात्मा इति च प्रतीयते, परमात्मा दूसरा है जो प्रकाश डाल रहे हैं, भोग करा रहे हैं, कर्मफल का दान दे रहे हैं, ऐसा परमात्मा प्रतीत हो रहा है, मंत्र में ही अर्थ समझ आ रहा है। इति एवं श्रुत्याय जीव ब्रह्मणोर भेद प्रतिपादनात् न तयो हो ऐक्यम युक्तम। इसीलिए युक्ति सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कह रहे हैं कि श्रुति का अगर तात्पर्य आप कह रहे अद्वैत है तो श्रुति भेद की चर्चा क्यों कर रही है उपनिषद में, ज्ञान कांड में श्रुति क्यों कह रही है कि इन दोनों में एक भोक्ता है दूसरा असंग अभोक्ता है, अकर्ता भोक्ता असंग शुद्ध परमात्मा है, ऐसे क्यों कह रही है, इसलिए दोनों में ऐक्य तो ठीक नहीं लग रहा है, न युक्तम। क्यों, जीव ब्रह्मणो भेद प्रतिपादन, श्रुति उसी श्रुति प्रमाण शब्द प्रमाण के द्वारा जीव और ब्रह्म के बीच में भेद दिखलाया गया है, सिखाया गया है, इसीलिए दोनों में ऐक्य तो संभव नहीं है। अभी अगर श्रुति अगर ये नहीं कहती, समझ लीजिए श्रुति अगर ये नहीं कहती तो ये भेद पहले पता है कि नहीं पता है जीव को, ऐसा भेद पता है कि नहीं पता है कि मैं भोगता हूं, ये पता है, और मैं अगर अकेले भोग कर रहा हूं, मेरे साथ और कोई भोग कर रहा है, ऐसे लगता है क्या कभी किसी जीव को, अगर दूसरा कोई अगर शास्त्र या श्रुति का अभ्यास नहीं किया फिर भी ये ऐसे कैसे हो गया कि ये बिना चाहते हुए कुछ मिल गया, या चाहता हुआ बिना श्रम के भी मिल गया, या बहुत प्रयास किया चाहता भी था फिर भी नहीं मिला,
किसी को जन्म से प्राप्त है, किसी को सारे आयु अपनी पूरी बुढ़ापे तक प्रयत्न करता है फिर भी नहीं मिल पाता, कोई इतना अभ्यास करता है फिर भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता परीक्षा में, कोई क्या है कि एक बार कहने से समझ में आ जाता है, पढ़ता भी नहीं है, खेल कूद में रहता है, अंत में परीक्षा में कितने भी माता पिता डांटते हैं फिर भी पढ़ाई नहीं करता, समझ में आ गया परीक्षा में जाके लिखाता है पहला नंबर आ जाता है, ऐसे कैसे भेद क्यों है ऐसा। तो इसीलिए क्या है कि इसका नियंत्रण करने वाला कोई है, ये युक्ति से बिना श्रुति के भी समझ में आता है कि भेद है, कि मैं वो परमात्मा नहीं हूँ, ये तो श्रुति को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये क्या समझना चाहिए, अगर श्रुति में आता भी है ऐसा, वो तात्पर्य विषय हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दूसरे प्रमाण से जो सिद्ध है उसके लिए श्रुति प्रमाण है ही नहीं। द्वैत जहाँ अन्य प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत सिद्ध है, भेद कि ये प्रपंच जो बनाया है, ये प्रपंच जो है वो मुझसे भिन्न है, दूसरे जीव मुझसे भिन्न है, और मैं अगर इस प्रपंच को किसी ने बनाया है, अगर एक है 10 है 100 है मुझे नहीं पता, पर कोई ना कोई करता तो होगा, जैसे कोई भी वस्तु तो अपने आप घटपट आदि तो अपने आप उत्पन्न नहीं होती, कोई बनाने वाला चाहिए, वैसे ही इस प्रपंच का कोई बनाने वाला होगा, क्योंकि द्रव्य है वो भी द्रव्यत्वात्, कि ऐसे कोई द्रव्य हमने देखा नहीं है कि अपने आप उत्पन्न हो जाता है, कोई तो उत्पत्ति करता है उसकी। इसीलिए अगर मैंने देखा भी नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, फिर भी अनुमान से, किंतु अनुमान से सिद्ध हो जाएगा कि ये प्रपंच किसी ने बनाया है, एक हो 100 हो मुझे नहीं पता, और वो मैं नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। इसीलिए भेद तो पहले से ही सिद्ध है, प्रत्यक्ष द्वारा या अनुमान द्वारा दोनों ही प्रमाण है। तो भिन्न प्रमाण से जो सिद्ध हो सकता है उसमें श्रुति की अपेक्षा ही नहीं है, शब्द प्रमाण की, श्रुति की। इसीलिए श्रुति अगर कहती भी है तो क्या होगा, अनुवाद हो जाएगा, उसके लिए प्रमाण नहीं है। तो ये समझना चाहिए, ये तत्व दृष्टि को नहीं पता। तो तत्व दृष्टि क्या कह रहा है, इति एव श्रुत्या जीव ब्रह्मणोर भेद प्रतिपादनात् न तयोर ऐक्यम उक्तम। इसीलिए दोनों में ऐक्य सिद्ध नहीं होगा, श्रुति दूसरा भी भेद भी दिखला रही है, दूसरा माने भेद भी दिखला रही है, केवल अभेद नहीं दिखला रही। इसीलिए प्रमाण में भी संशय आ रहा है कि श्रुति क्या कह रही है, तात्पर्य विषय क्या है, ये प्रमाणगत संशय है। आगे और बतलाते हैं शंका और उसका विस्तार करते, किंच और क्या है, और क्या कारण है, वेदे नाना प्रकारणि कर्माणि उपासनानि च तत्र तत्र कथितानि। और ज्ञान कांड छोड़कर तो उससे भी बड़ा क्या है, कर्म कांड है। ज्ञान कांड तो बहुत छोटा है, कहीं कहीं मंत्र भाग में, कहीं कहीं आरण्य कभी भी उपनिषद आते होंगे, किंतु कर्म कांड मंत्र और जो आगम और मंत्र और क्या है कि ये भाग जो है ब्राह्मण का बहुत बड़ा है। आरण्यक में अधिकतर तो उपासना आते हैं, और उपासना अधिकतर उपासना क्या है, भेद ही दिखलाते। कर्म में तो भेद है ही है, कर्म में तो कहीं भी ऐक्य लेकर कर्म संभव ही नहीं है। कोई श्रुति कहीं नहीं कहती कि ये कर्म करो और तुम एक हो जाओगे, या एक हो कर्म करो, श्रुति नहीं कहती। श्रुति क्या कहती है कि तुम जीव हो, या तो इस लोक में यहीं पर फल चाहते हो तो ये कर्म करो, पुत्र कामिष्ट इत्यादि, धन चाहिए या पशु काम इत्यादि, पशु कामना है, पशु चाहते हो, धन चाहते हो, पुत्र पुत्री चाहते हो, तो ये कर्म करो। तो इस लोक में इसी शरीर में फल मिल सकता है, कभी कभी ऐसा होगा प्रारब्ध की नहीं हो सकता इस जन्म में, तो अगले जन्म में मिल जाएगा, कहीं कोई और जन्म में मिल जाएगा फल, पर प्रयत्न और संकल्प क्या करते हैं, इसी जन्म में जितने जल्दी हो जाए मिल जाए फल, झटिति फल प्राप्ति अर्थम करके संकल्प करके करते, तो इसी शरीर में इस लोक में ही मिल जाएगा। अधिकतर फल क्या है कि अन्य लोक में अन्य शरीर में मिलेंगे स्वर्ग आदि फल। तो इसीलिए वेद में जो है ये कर्म तो भेद के साथ ही है, और उपासना अधिकतर भेद वाले हैं, कहीं क्वचित अद्वैत माने
अहंग्रह उपासना होगी या भाष्य इत्यादि में अहंग्रह उपासना करके दिखला देते हैं। ब्रह्मसूत्र इत्यादि में भी उसका निर्णय हो सकता है, किंतु शुद्ध उपासना कांड जो है अधिकतर क्या है, वो भेद प्रतिपादक ही है, भेद को मानकर ही उपासना पढ़ाते हैं, उपासना का की शिक्षा देती है। तो वेदे नाना प्रकारणी कर्माणि उपासना च, और एक 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 नहीं है, नाना है, बहुत विधा से कर्म और उपासना है, तत्र तत्र, ऐसे नहीं कि एक ही जगह है, फैले हुए है, पूरे वेद में फैले हुए है। तानी निरर्थकानि स्युः, वो सब निरर्थक हो जाएंगे, अगर कभी निरर्थक हो जाएंगे, जीव ब्रह्मणोर एकत्व अभ्युपगमे, अगर हम मान ले, आपकी बात मान ले हम, क्या कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य है, ऐक्य है तो भेद वाले सब व्यर्थ हो गए, भेद वाले कर्मकांड तो व्यर्थ हो गए, और ज्ञानकांड में भी उपासना जो आते हैं जो भेद निकलाते हैं, और शुद्ध उपासना कांड जो है उसमें जो भेद प्रतिपादक श्रुति है वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, उसका उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। अगर अभेद है तात्पर्य विषय है, अभेद ही सच है, तो भेद वाले इसको सब छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा का उदाहरण लेते हैं, बहुत वर्षों से देख रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं क्या है परीक्षा कैसे होती है आजकल, या आजकल ही कहेंगे कि तात्पर्य पढ़ाई में नहीं है, तात्पर्य अंक अधिक लाने में है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि परीक्षा में क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए, परीक्षा में ये सब नहीं पूछेंगे। हाँ है, पुस्तक में है, विषय है, जानना चाहिए, उस विषय को समझने के लिए ये भी चाहिए, पर क्या कहेंगे, कोई पढ़ाने वाले कह देते हैं छोड़ो, अरे ये सब छोड़ो, पढ़ने वाले भी कहते हैं ये छोड़ दो, इसका अभ्यास करो नहीं, इसका आएगा ही नहीं, थोड़ा कुछ आएगा तो आएगा, नहीं तो वो तो कुछ इसमें तो ये पूछते ही नहीं। देखो 5 वर्ष के या तो 10 वर्ष के देख लो पीछे पेपर क्या है, उसमें कहीं भी इसका प्रश्न ही नहीं आता, तो वो सब छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल, करना है करो, एकेडमिक इंटरेस्ट कहते हैं, अरे पढ़ना है अपने आप पढ़ लेना, उसमें कुछ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि तैयारी कराते तो कहते हैं कि अरे ये इसमें अधिक ध्यान दो, इसमें कम दो, ऐसे वेटेज भी कर देते हैं। ऐसा है क्या श्रुति में? तो श्रुति में अगर तात्पर्य विषय अद्वैत है कि परीक्षा में यही आना है कि उसी परीक्षा से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, तो बाकी सब ऑप्शन लो, गया कर्मकांड छोड़ दो, अरे क्या विधि में रखा है कुछ नहीं छोड़ दो, उपासना छोड़ दो, व्यर्थ हो गए सब। तो श्रुति इतने प्रयास से क्यों कर्म और उपासना बता रही, जब ये अद्वैत तात्पर्य है वही है, उससे ही फल मिलना है, तो इसका सब कोई लाभ ही नहीं है, ये तो परीक्षा में कोई विषय नहीं है, जीवन की परीक्षा में संसार से पास होने के लिए, पार होने के लिए क्या है, अद्वैत चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, यही कहेंगे आचार्य अंत तो अथवा तो यही कहेंगे ना, तो अभी कह दीजिए, और अभी कह देंगे तो श्रुति कुछ काम की नहीं है, जहाँ कर्म और उपासना का प्रतिपादन कर रही है। तो ये प्रश्न आएगा कि वो सब निरर्थक व्यर्थ हो जाएंगे, तथा ही उसका ही विश्लेषण करें, जीव ब्रह्मण हो एकत्वम किम ब्रह्मणी जीव स्वरूप अंतर्भावात किम वा जीव ब्रह्म स्वरूप अंतर्भावात, ये एक शैली होती है भाष्य टीका इत्यादि में, क्या है कि अगर आप अभ्युपगमवाद, ये अभ्युपगमवाद क्या है कि मान ले कि जीव और ब्रह्म में एकता है, कि कोई कह रहा है सिद्धांती कह रहा है, तो पूर्व पक्षी पूछेगा कि आप जो कह रहे हो उसको मान ले तो ये कैसे सिद्ध होगा, जीव और ब्रह्म की एकता कैसे, जीव की ब्रह्म में एकता होगी कि ब्रह्म की जीव में एकता होगी, एकता तो किसी का तो किसी में अंतर्भाव होना चाहिए, जीव सभी जीवों का या एक ही जीव ले लो, जीव का ब्रह्म में अंतर्भाव होगा या ब्रह्म का जीव में अंतर्भाव होगा, ऐसी पूर्व पक्षी सिद्धांती को पूछ सकता है, सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछ सकता है, ऐसे कि दो या तो अधिक भेद बनाते और पूछते कि पहले इसमें ऐसा दोष होगा दूसरे इसमें ऐसा दोष होगा, इसलिए दोनों संभव नहीं हो पाएंगे, ऐसे चर्चा होती है। तो कहते तथा ही जीव ब्रह्मण और एकत्व किम ब्रह्मणी जीव स्वरूप अंतर्भाव, कि जीव और ब्रह्म में एकता मान ले तो कैसे माने, क्या पहला क्या है, पहला पक्ष क्या है कि जीव का स्वरूप जो है वो ब्रह्म के स्वरूप में उसका अंतर्भाव हो जाएगा, जीव के स्वरूप का ब्रह्म के स्वरूप में अंतर्भाव हो जाएगा,
दूसरा पक्ष क्या है, किम वा जीवे ब्रह्म स्वरूप अंतर्भाव, कि जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव हो जाएगा, कि किस दृष्टि से एकता करेंगे। पहले तो मान चलिए कि दो है, तभी तो एकता पढ़ा रहे। अगर दो है तो जीव ब्रह्म में एक हो जाएगा या ब्रह्म जीव में एक हो जाएगा, कैसे होगा ये लीन। न उभयता अपि संभवति, और क्या कह रहे हैं कि दोनों ओर से तो संभव नहीं होगा, ब्रह्म में भी जीव एक नहीं हो पाएगा और जीव में ब्रह्म भी एक नहीं हो पाएगा। क्यों तर्क देते हैं, ब्रह्मणी जीव स्वरूप अंतर्भाव अभ्युपगमे सति सति सप्तमी। अगर मान ले कि ब्रह्म में जीव स्वरूप का अंतर्भाव हो गया, जीव के स्वरूप का अंतर्भाव ब्रह्म में मान ले पहला पक्ष, तो क्या हो जाएगा, दोष क्या है, जीवस्यैव ब्रह्म रूपत्वात्, जीव क्या हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो गया, एक हो गया, तो ब्रह्म रूप बन गया, जीव जीव ब्रह्म के का रूप बन गया, और वो ऐसे होने से क्या हो जाएगा, कर्म उपासनादि अधिकारी अभाव प्रसंगात। तो कर्म और उपासना में अधिकारी तो होगा ही नहीं कोई, कि ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ब्रह्म का कर्म, ब्रह्म को कोई फल चाहिए नहीं, ना ब्रह्म को पुत्र काम है, पुत्र की कामना है, ना ही ब्रह्म को धन की कामना है, ना स्वर्ग चाहिए। तो अगर जीव ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्म में एक हो गया, तो उसमें कोई कर्म करने के लिए कामना नहीं रहेगी, तो कर्म कौन करेगा, कर्म श्रुति व्यर्थ हो गई। उपासना कर ले, उपासना परमात्मा सोचता है कि मैं उपासना करूंगा, नहीं, उपास्य उपासक भेद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीव तो ब्रह्म रूप हो गया, तो उपासना कौन करेगा, उपास्य कैसे भिन्न होगा उपासक से। इसीलिए कहते हैं कर्म उपासना आदि, आदि माने ये जो भेद श्रुति जहां पर है वो भी ले सकते हैं, उसमें अधिकारी अभाव, कोई अधिकारी नहीं बचेगा, जीव जो अधिकारी था भिन्न होकर वो एक होकर ब्रह्म के साथ अधिकारी नहीं बचेगा, न बनेगा। इसीलिए क्या है कि नहीं बनने के कारण अभाव प्रसंगात, अधिकारी अभाव प्रसंगात, अधिकारी के न होने के कारण किसमें अधिकारी, कर्म और उपासना आदि में। इसीलिए कर्म उपासनादीनि निरर्थकानि स्युः, इसीलिए कर्म उपासना इत्यादि सब व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाने। जो अगर कोई कहेगा व्यर्थ हो, ऐसे नहीं कह सकते, श्रुति तो व्यर्थ है, जिसको वेद व्यर्थ है ऐसा तो नहीं मान सकते, कोई भी आस्तिक जो है वेद व्यर्थ हो जाने तो ये तो नहीं कहेगा। इसीलिए क्या है कि ये हानि हो जाएगी पहले पक्ष में। और क्या, जीवे च ब्रह्म स्वरूप अंतर्भाव अभ्युपगमे, और क्या है कि जीवे, दूसरा पक्ष, जीव में अगर ब्रह्म स्वरूप का अंतर्भाव मानेंगे, माने ब्रह्म जीव बन गया, ब्रह्म जीव बन जाएगा, ऐसा अगर एक हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, सती सप्तमी, जीव भाव आपन्नत्वाद ब्रह्मण, पंचमी है ब्रह्मण, कि वैसे ब्रह्म से, कैसे ब्रह्म से, जो अभी जीव भाव को आपन प्राप्त कर लिया है, जिस ब्रह्म ने अभी जीव के भाव को प्राप्त, जीवत्व, जीव भाव माने जीवत्व को प्राप्त कर लिया है, उस ब्रह्म से उपास्य अभाव प्रसंग, जीव ब्रह्म ब्रह्मण उपास्य अभाव प्रसंग, ब्रह्मण एक घंटा, जीव भाव ब्रह्मण उपास्य अभाव प्रसंग, ठीक है, वो हेतु से पंचमी, हेतु पंचमी लेंगे, जीव भावापन्नत्वाद ब्रह्मण, ब्रह्म जो जीव भाव प्राप्त कर लिए हैं उसके कारण क्या हो जाएगा, उपास्य अभाव प्रसंग। और षष्ठी के लिए इससे ब्रह्म का उपास्य भाव नहीं हो पाएगा, उस उपास्य अभाव हो जाएगा, ब्रह्म उपास्य परमात्मा ईश्वर उपास्य नहीं बन सकता, ब्रह्म की उपासना संभव नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म क्या है, जीव बन गया, जीव में अंतर्भाव हो गया। इति उपासना वाक्यानि निष्फलानि स्युः, इसीलिए क्या है कि उपासना वाक्य भी निष्फल हो जाएंगे, कर्म वाक्य भी उपासना वाक्य भी निष्फल हो जाएंगे। तैतरीय में या छांदोग्य में, कहीं तो तैतरीय छांदोग्य में जहां अनुप्रवेश वाक्य आता है, छांदोग्य में होगा, छांदोग्य में जहां अनुप्रवेश वाक्य होता है कि अनेन जीवात्मना अनुप्रविश्य, कि ये प्रवेश करता कौन है, वहां पे भगवान भाष्यकार
चिंता आरंभ करते हैं कि ये प्रवेश करने वाला कौन होगा, जीव के शरीर में जीव रूप से प्रवेश करने वाला कौन है, अनेन जीवात्मना, जीव आत्मा माने जीव स्वरूप, जीव स्वरूप में जिसने प्रवेश किया है वो कौन है, जीव से भिन्न है, ईश्वर से भिन्न है, जीव ही ईश्वर कौन है, तो इसीलिए ऐसे चिंता करते हैं। तो वहाँ पे ल्यप प्रत्यांत शब्द जो त्वा के लिए आदेश हो जाता है ल्यप का, उसके द्वारा कहते हैं कि कर्ता तो एक ही होने चाहिए, कि जो जीव बन गया वो कौन है, ईश्वरी होने चाहिए, क्योंकि अनुप्रवेश करता ईश्वरी होगा। अनेन जीवात्मा अनुप्रविश्य करके, कि प्रवेश करने के बाद क्या किया, नाम रूपे व्याकरणवाणी, तो नाम रूप का जो व्याकरण किया ईश्वर ने किया, जीव भाव लेकर किया अगर कहेंगे तो कौन है वो, ईश्वर को ही होना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता एक ही हो सकता है, तो हमें कर्ता भिन्न नहीं हो सकता। कि मैं अगर कहूंगा कोई वाक्य कि इस कोष्ठ में प्रवेश करने के बाद, मैंने इस कोष्ठ में प्रवेश करने के बाद खाना खाया कहूंगा, या तो किसी ने इस कोष्ठ में प्रवेश करने के बाद खाना खाया, तो जिसने प्रवेश किया उसी ने खाना खाया, ऐसा नहीं कैसे कि देवदत्त ने कोष्ठ में प्रवेश करने के बाद यज्ञदत्त ने खाना खाया, ऐसा तो वाक्य बन नहीं सकता, हिंदी में भी नहीं बनता। तो जो प्रवेश करता है वही भोगता है, तो शरीर में जिसने प्रवेश किया वही परमात्मा कर्ता भोगता जीव के रूप में अभी प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसी चर्चा वहां आती है। तो वहां पे पूर्व पक्षी पूछता है, यही एक तो व्यर्थ हो जाएगा, कहीं भी अंतर्भाव जीव का ब्रह्म में होगा, ब्रह्म का जीव में होगा, अगर जीव का ब्रह्म में होगा तो वहां पे कहते हैं कि एक इस दृष्टि से क्या हो जाएगा कि जीव नित्य मुक्त हो जाएगा, जीव अगर ब्रह्म में एक हो जाएगा तो ब्रह्म नित्य मुक्त है, तो जीव संसारी नहीं रहेगा, वो नित्य मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र व्यर्थ तो वैसे भी है, क्योंकि संसारी के लिए शास्त्र है, कर्म उपासना नहीं ज्ञान कांड भी व्यर्थ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रह्म जीव ब्रह्म बन गया, जीव ब्रह्म में एक हो गया तो शास्त्र किसके लिए है, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा और नित्य मुक्त जीव संसारी नहीं हो पाएगा, असंसारी हो जाएगा जीव। और अगर भिन्न दृष्टि मानेंगे कि ब्रह्म जीव में एक हो गया तो ब्रह्म जीव भाव आपन्न हो गया, अगर ब्रह्म में जीवत्व आ गया तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म जो नित्य मुक्त है वो संसारी बन जाएगा। तो दोनों दृष्टि से अलग अलग दोष दिखाते, भिन्न वहां पे भिन्न दोष दिखाए, ये भी दिखाया, अधिक दोष भी दिखाया भाष्य में पूर्व पक्षी ने। तो यहां पे देखिए वैसे ही कह रहे कि दोनों दृष्टि से अगर जीव को ब्रह्म में एक मानेंगे या ब्रह्म को जीव में एक मानेंगे, दोनों भी नहीं हो पाएंगे, उभयता भी न संभवती करके पूर्व पक्ष ने कहा, उसका विश्लेषण कर दिया। तो उपासना वाक्य भी कर्म वाक्य जैसे निष्फल हो जाएंगे और ज्ञान कांड वाक्य भी व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ऐक्य भी किसको पढ़ा रहे, ऐक्य उसको पढ़ा रहे हैं जो भिन्न है, अगर एक है तो ऐक्य भी किसको पढ़ाएंगे, पर ऐक्य भी पूछ सकते हैं, किंतु उपनिषद में द्वैत वाक्य भी आते हैं, वो भी किसको पढ़ाएंगे, वो भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए क्या है कि शुद्ध कर्म कांड, शुद्ध उपासना कांड और उपनिषद में जहाँ उपासना है या भेद वाला ज्ञान है वो तो व्यर्थ हो जाएंगे, भले ही ऐक्य वाले सिद्ध समझिए कि उसका प्रयोजन है, पर अधिक अंश तो व्यर्थ हो गया। अपिच और क्या होगा, अपिच कर्मफल धातु ईश्वरस्य अभावात्, ईश्वर जिसको कर्मफल दाता मानते हैं, केवल सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता और लयकर्ता नहीं मानते, हम ईश्वर को क्या मानते हैं, कर्मफल दाता, वो कर्मफल दाता रह पाएगा अगर ईश्वर जीव से अभिन्न है, जीव में लीन हो गए, एक हो गए, तो कर्मफल दाता कहाँ होगा, नहीं होगा। इसीलिए कर्मफल धातु ईश्वर जो है, तस्य ईश्वरस्य कर्मफल
दातुहु, जो कर्मफल दाता है ईश्वर, उसके अभाव के कारण अभावात कर्म अनुष्ठान भी निष्फलम स्यात्। कर्म भी, कर्म का अनुष्ठान तो करना है, कर लो कहेंगे, कर लो, फल नहीं मिलेगा। कोई करेगा, कोई जीव कर्म करेगा क्या कि कोई फल देने वाला नहीं? अरे कितना भी कर लो कोई, इसीलिए क्या कि देखिए जैसे कार्यालय में ऑफिस जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे बॉस चला गया, घर चले जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। देख काम किया, दिखना भी चाहिए ना, अभी प्रमोशन आ रहा है, अधिक काम कर रहा है, अरे देर तक बैठते क्यों? क्योंकि बॉस बैठे देखेंगे ना कि कल पूछेंगे कि कितने देर तक था, कोई देखने वाला होगा। बॉस घर चले गए तो अरे वो चले गए, दूसरे हैं वो चुगली करेंगे कि आप जल्दी चले गए बता देंगे, तो कोई देखने वाला चाहिए काम किया। तो लोक में ऐसे है, तो अगर काम करने वाला है कोई, कितना भी काम कर ले, देखने वाला जब तक कोई नहीं है, कोई उसको देखकर कोई फल देने वाला नहीं है। आपने नहीं देखा, मैंने तो ये सब कर दिया, अरे कभी क्या, मैंने तो नहीं देखा। कोई कह देता है कि मैंने नहीं देखा, तुमने किया, किसी ने किया होगा, दूसरे ने, वो तो कह रहे कि उसने किया, किसने किया मुझे नहीं पता, तो किसको दे फल? ऐसा होता है, देखने वाला नहीं हो। और अगर देख भी लिया है, कोई कह रहा है अरे देख लिया ठीक है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने देखा, उनको क्या दिखा के क्या काम दिखा रहे हो, फल तो वो नहीं देंगे, कोई और देगा। तो अभी कह रहे कि फलधातु ही नहीं है, फलदाता ही नहीं है, फलधातु ईश्वरस्य षष्ठी फलधातु, दातृ फलदातृ प्रातिपदिक है, जो फलदाता है क्या? नहीं है। अभी कहेंगे फलदाता ही नहीं है, तो कर्म कोई क्यों करेगा कि फल तो नहीं मिलना है? आप कहेंगे चलिए कर्मयोग दृष्टि से कर लो, भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भगवान कृष्ण कहते हैं वो भगवान तो है ही नहीं, जीव में एक हो गए, तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, फल देने वाला कोई नहीं है। तो आप तो कहें चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि कौन देगा? अपने आप तो नहीं होगी, जड़ तो चित्त शुद्धि नहीं देगी, तो कोई चेतन वस्तु आपको चित्त शुद्धि देंगे। तो अगर निष्काम कर्म भी करेंगे तो चित्त शुद्धि देने वाला भी कोई फलदाता होना चाहिए, वो नहीं है, उसके अभाव के कारण क्या होगा? अभी जब कर्म फल धातु ईश्वरस्य अभावात कर्म अनुष्ठान भी निष्फलम स्यात्। कोई नहीं कहेगा इष्टापत्ति कि नहीं मिलने दो फल मैं करूंगा, नहीं करेंगे। लौकिक फल नहीं चाहिए पर पारलौकिक तो चाहिए, पारलौकिक दूसरा लोक नहीं चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि नहीं ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं मोक्ष चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए। कि कुछ नहीं चाहिए उसको भी क्या चाहिए कि मुझे कोई संग नहीं चाहिए, वो तो चाहिए, असंगता चाहिए। इसीलिए क्या है कि सबका त्याग करते करते उसको भी क्या अंततोगत्व सूक्ष्म दृष्टि में कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसीलिए क्या है कि वो निष्फल हो जाएगा सब। कर्मातिरिक्त ईश्वर नास्ति, स्वतंत्रम कर्म एव फलम ददाति। तो अभी पूर्व मीमांसक कहता है अरे ईश्वर तो हम नहीं मानते, फलदाता नहीं हो तो क्या हो, कर्म तो दे देगा फल, कर्म कर रहे हो, कर्म में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है कि मंत्र उच्चारण से, कर्म करने से, आहुति देने से अपने आप फल मिल जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वेद कहता है, वेद से प्रामाणिकत्व, वेद प्रमाण है, वेद कहता है कि फल मिलेगा, कहीं फल देने वाला होना चाहिए ऐसा नहीं है, उस मंत्र में ही शक्ति है, फल मिल जाएगा, ऐसे पूर्व मीमांसक क्यों कहता है? तो इसीलिए कहते हैं कर्मातिरिक्त ईश्वर नास्ति, कि कर्म से भिन्न कोई ईश्वर, कर्म जड़ है, ईश्वर चेतन है, ऐसा चेतन मानने की आवश्यकता नहीं, कि कर्म ही शक्ति है, स्वतंत्रम कर्म एव फलम ददाति, कर्म ही स्वतंत्र होकर फल दे देता है, ईश्वर की क्या आवश्यकता है, नहीं होने दो, कर्म फल धातु ईश्वर नहीं होने दो, ऐसे पूर्व मीमांसक कहता है इष्टापत्ति ही। ऐसे मीमांसक कह रहा है, मीमांसक उक्तिरपि न युज्यते, सिद्धांति कहता है, उत्तर मीमांसक कहता है, पूर्व मीमांसक जो कहता है इष्टापत्ति वो भी ठीक नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, युक्ति सिद्ध नहीं है। क्यों? जड़त्वात् कर्मण, कर्म जड़ है, जड़ कैसे कुछ दे देगा, जड़ किसी दूसरे को कुछ देता है क्या? कभी नहीं देखा हमने। तो कोई जड़ दूसरे को, किसी को जड़ हो चेतन हो, उसको जड़ कुछ देगा या कहीं नहीं देखा? कि कोई कहता है कि घट में पानी है, घट पानी दे देगा, नहीं होता है कभी, घट अपने आप तो पानी नहीं देगा, किसी और को उठा के देना चाहिए, आपको उठाना पड़ेगा, घट तो पानी नहीं देगा आपको। तो इसलिए
जड़ कुछ दे नहीं सकता, इसीलिए पूर्व मीमांसक अगर कह रहा है कि ईश्वर चेतन ना हो कर्म फल दाता, कर्म दे देगा वो भी संभव नहीं है, स्वतंत्र कर्म तो फल नहीं दे सकता, न ददाति ऐसे ही कह रहा है सिद्धांती, कह रहा है तत्वदृष्टि शंका उठाने वाला कह रहा है, नहीं जड़ से कर्मणा फलदातृत्व रूप सामर्थ्य घटते, क्योंकि समर्थ सामर्थ्य नहीं है, समर्थ भाव नहीं है, जड़ में सामर्थ्य नहीं है कि किसी को फल कुछ दे दे, फल देने का सामर्थ्य जड़ में नहीं हो सकता, चेतन होना ही पड़ेगा, इसी के लिए तो इसी कारण को इसी हेतु को लेकर सिद्धांती तर्क से सिद्ध करता है पूर्व मीमांसकों को कि कोई कर्म फल देने वाला ईश्वर मानना पड़ेगा चेतन, क्योंकि कर्म जड़ है, अजड़ मानना पड़ेगा, अतः सर्वज्ञादेव ईश्वरात् कर्म फल सिद्धिर वाच्या। तो कर्म फल सिद्धि, कर्म फल दातृत्व, कर्म फल मिलेगा ऐसी सिद्धि किससे होगी बताना पड़े, वाच्या ऐसी सिद्धि आपको बतलानी पड़ेगी किससे होगी, ईश्वरात् ईश्वर से होगी, जो चेतन है कर्म से भिन्न है, कर्म अतिरिक्त ईश्वर मानना पड़ेगा, जड़ से भिन्न अजड़ चेतन ईश्वर मानना पड़ेगा, और कैसा ईश्वर मानना पड़ेगा आपको, सर्वज्ञ, क्योंकि किसने क्या कर्म किया है एक एक अंश उसका पता होना चाहिए, सबका फल मिलेगा, कोई भी फल व्यर्थ नहीं होगा, कोई भी कर्म कितना भी सूक्ष्म हो व्यर्थ नहीं होगा, पुण्य हो पाप हो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ भी मानना पड़ेगा, उसको विशेषण जोड़ दिया ईश्वर को, सर्वज्ञ ईश्वर मानना पड़ेगा, तस्मा जीवात्म परमात्मनोः एकत्वम न युज्यते इति, इसीलिए क्या है कि जीवात्म जो सर्वज्ञ नहीं है अल्पज्ञ है, और परमात्मा जो सर्वज्ञ है ये भी हेतु बनेगा दोनों में एकत्व न सिद्ध होने के लिए, इसीलिए वो युक्ति सिद्ध नहीं है इति। और ये क्या है, अयंच प्रमाणगत संशय, ये प्रमाणगत संशय की तात्पर्य विषय अद्वैत में है, ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है, श्रवण सिद्ध नहीं हो पा रहा है, श्रुति का तात्पर्य कर्म में भी है उपासना में भी है और इसीलिए भेद में है अद्वैत में है, ऐसा सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसा संशय प्रमाणगत संशय हो गया। इसका अभी समाधान दे रहे 172 से 185 तक, स्वरूप भेदा जीव ब्रह्मणोर ऐक्य असंगति ही इति शंकाया समाधान, शंका का समाधान देते, किस शंका का, ऐसी शंका का, कैसी शंका, स्वरूप भेदा जीव ब्रह्मणो ऐक्य असंगति ही, कि ऐक्य असंगत है, असंगति माने असंगत है, क्या असंगत है क्या ठीक नहीं है, ऐक्य किसमें, ऐक्य जीव और ब्रह्म में, क्या हेतु है, स्वरूप भेदा दोनों जीव स्वरूप और ईश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में भेद होने के कारण, ये पंचमी हेतु पंचमी, इस कारण क्या होगा, जीव और ब्रह्म के बीच में ऐक्य असंगत है, युक्ति सिद्ध नहीं है, उसका समाधान, ऐसी शंका का समाधान देते, क्या कहते, आकाशस्य इव चेतन चैतन्यस्यापि चतुर्विधो भेदः। अभी एक प्रक्रिया द्वारा बतलाते, आचार्य समझ गए कि इसको जो तत्वदृष्टि शिष्य को जो संशय है इसके लिए दूसरी कोई प्रक्रिया का प्रयोजन है, यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा, कोई और प्रक्रिया लेकर समझाते कि ऐक्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि स्वप्नवत मिथ्या करके बतला दिया उससे तो सिद्ध नहीं हुआ उसके लिए, तो इसीलिए क्या है कि उत्तम जो तत्व है वो उत्तम अधिकारी को जैसे बताते, उत्तमोत्तम अधिकारी को जैसे बताते वैसा बतला दिया, तो महावाक्य से अद्वैत सिद्धि नहीं हुई, फिर दृष्टि सृष्टिवाद स्वप्नवत करके उदाहरण से बतला दिया, कल्पित है संसार फिर भी अद्वैत सिद्धि नहीं हुई, प्रमाण और प्रमेयगत संशय अभी भी है, तो क्या करते हैं, श्रवण पूर्ण नहीं हुआ इसलिए श्रवण में क्या करते, प्रक्रिया जोड़ देते, तो अभी प्रक्रिया समझा रहे, आकाशस्य इव, जैसे आकाश, आकाश में भेद है क्या, वस्तुतः नहीं है फिर भी भेद मानते, कैसे भेद मानते हैं, घटाकाश जलाकाश मेघाकाश महाकाश, ऐसे चतुर्विध भेद मानते, चार भेद मानते हैं, नहीं हो फिर भी मानते, तो वैसे ही श्रुति में भी भेद दिखलाते,
नहीं है वस्तुतः ब्रह्म में भेद, जीव ब्रह्म में, किंतु भेद के चलते जो बुद्धिगत है पहले से उसको लेकर कोई कर्म उपासना दे देते हैं कि चित्त शुद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके द्वारा अद्वैत सिद्धि भी हो जाएगी। तो वैसे उदाहरण आकाश जैसे चैतन्य में भी भेद नहीं है, किंतु चतुर्विधः भेदः, ऐसा चार प्रकार का भेद, ऐसे चार प्रकार का भेद चैतन्य में भी है व्यावहारिक दृष्टि से। जैसे आकाश में नहीं होते हुए भी भेद है, कैसा भेद है, ये सौम्य तत्संदेह निवर्तक विचार रूपम उपदेशम शुरू कि तत्संदेह निवर्तक विचार रूपम, कि ऐसा विचार, विचार सागर है तो विचार रूप उपदेश है। कैसा उपदेश कर रहे हैं कि विचारात्मक उपदेश कर रहे हैं कि इसमें विचार कर लो और तुम्हारे साथ मैं भी विचार कर दिखाऊंगा उदाहरण को लेकर कि कैसे तुम्हारे संदेह का, संशय का निवारण होगा, शंका निवृत्ति कैसे होगी। तो क्या प्रक्रिया है, कहते यथा, सुनो कहते श्रुणु, यथा एकस्य एव आकाशस्य, एक ही आकाश का जैसे चार रूप में चार विधा से भेद होता है, कैसा, घटाकाश, घट के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश करके नाम देते, रूप तो है ही नहीं आकाश को, तो रूप में भेद नहीं हो सकता क्योंकि रूप ही नहीं है, आकाश तो एक ही है, तो स्वरूप में भेद कैसे करेंगे, आकाश का स्वरूप तो एकत्व है, एक ही आकाश है, किंतु इस घट में भिन्न, दूसरे घट में भिन्न, ऐसे भेद करते हैं उपाधि को लेकर, वैसे घटाकाश करके भिन्नता हो गई, परिच्छिन्न हो गया। जैसे जलाकाश, ये जलाकाश क्या है ये आगे बताएंगे, अभी तो नाम मात्र देख लेते हैं, घटाकाश जलाकाश की, जल की प्रतिबिंब जल में हो रहा है, जो जल आकाश में, जल घट में है, घट में जल डाल दिया तो घट है, घट में आकाश है, वो आकाश महाकाश जो बाहर आकाश है उससे भिन्न है। और क्या कहते हैं, अभी जल घट में आकाश डालेंगे, घट में जल डालेंगे ऐसा सोच सकते हैं, और मेघ, मेघ जो बादल है उसमें जल भी है उसमें आकाश भी है, तो मेघ में जो आकाश है उसको भिन्न कहेंगे, जल, जल आगे करके दिख लेंगे, पर पहले भी जितना समझ पाते उसमें मुख्य अंश समझ दिए, घट में जो आकाश है उसको घटाकाश कह दिया, मेघ में जो आकाश है उसको मेघाकाश कह दिया, और महाकाश क्या है, महाकाश मेघ से बाहर भी है घट के बाहर भी है, उसको महाकाश करके नाम दे दिया, जो फैला हुआ है सब जगह, पर वही फैला हुआ आकाश जब भी मेघ के उपाधि के साथ है, बादल के उपाधि के साथ, उसको मेघाकाश कह दिया, और जो भूमि में भी घट रखा हुआ है, आकाश में बादल में नहीं है, जो क्या है उस घट में भी जो आकाश है उसको क्या कहेंगे, घटाकाश। इति चतुर्विध भेदो अस्ति तथा एकस्यैव चैतन्यस्य, ऐसे चतुर्विध भेद है आकाश में, वैसे ही चैतन्य में भी चार भेद करते हैं, क्या भेद है, कूटस्थ, कूटवत्तिष्ठति, कूटस्थ कि कूटस्थ चैतन्य, जीव, जीव चैतन्य, ईश्वर, ईश्वर चैतन्य, और ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, इति भेद चतुष्टयम् अस्ति। ब्रह्म चैतन्य माने शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, और ईश्वर क्या है कि माया उपाधि को लेकर, जीव क्या है शरीरत्रय उपाधि को लेकर, कूटस्थ क्या है, ये जीव जो है साक्षी, जो शरीर की उपाधि, जिसके लिए शरीर की उपाधि है, जीव के लिए शरीर तो क्या है कि विशेषण बन जाएगा, संसारी जीव, कूटस्थ जो है आत्मा, वो जीवात्मा साक्षी हो जाएगी, साक्षी चैतन्य, आगे और विश्लेषण करेंगे, अभी ऊपरी ऊपर बता रहे थे, नाम मात्र बतला दिए, जैसे आकाश में चार उदाहरण से भेद बता दिए, वैसे ही उदाहृत आत्मा में चैतन्य में भेद कर दिए। एषां स्वरूपं विचारपूर्वकं यदा सम्यक् विजानासि, जब ही इनमें ऐसा इनका स्वरूप जब जान लोगे, इनका स्वरूप सम्यक ठीक से संशय रहित जान लोगे, यदा कैसे संशय रहित होगा, विचार पूर्वक, विचार होना चाहिए, विचार के बाद, विचार पूर्वकम, विचार पूर्वकम सम्यक विजानासी, किम, किम विजानासी,
विचार पूर्वकम किम वे जानासी, क्या जान लोगे? स्वरूपम, तो स्वरूपम को भेद क्या है? विचार पूर्वकम, विचार पूर्वकम क्या समास होगा, कैसा समास होगा विचार पूर्वकम? तत्पुरुष है कि बहुरी है? बहुरी है, कप्रत्यय अधिकतर बहुरी में आता है। और क्या स्वरूपम के साथ? स्वरूपम पूर्व है क्या? स्वरूप का अर्थ पूर्व है, पूर्व माने क्या? पहले। स्वरूप का अर्थ पहले करके होता है क्या? तो तत्पुरुष नहीं है, तो कप्रत्यय हो नहीं हो, विचार पूर्वम भी होगा तो ये तत्पुरुष नहीं बन पाएगा, क्योंकि तत्पुरुष क्या होता है, प्राधान्य क्या होता है, क्या प्रधान कहते हैं तत्पुरुष में? उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद प्रधान माने पूर्व। उत्तर पद प्रधान का अर्थ क्या है? स्वरूपम जो है पद, उसका अर्थ और पूर्व का एक होना चाहिए। जैसे क्या तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या समास है? तत्पुरुष का विग्रह वाक्य क्या है? तत्पुरुष समास है क्या? समास का समास कौन सा समास नहीं पूछे? तत्पुरुष जो है समस्त पद है क्या? तत्पुरुषः ये समस्त पद है? तत्व और पुरुष दो पद है उसमें, तो समास है, समस्त पद है ना तत्पुरुष। हाँ ना, कोई कुछ कह रहा है तो उसका विग्रह वाक्य पता है कि नहीं? इतना तो पता होना चाहिए। तत्पुरुष का नहीं पता। बहुरी, बहुरी का समास पता है विग्रह वाक्य? व्याकरण पढ़ने वाले को इतना आना चाहिए थोड़ा वेदांत से। देखिए ये पढ़ते जाएंगे, संस्कृत ये सहज है, फिर भी समास पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थ बता के आगे चलते हैं। शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, फिर भी कैसे वो अर्थ बन रहा है वो समझना चाहिए। देखिए तत्पुरुष क्या है? तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः। कहा सा तत्पुरुष? अगर कह दिए तत्पुरुष देवदत्त, निर्णय कैसे हो पाएगा कि तत्पुरुष तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है कि बहुरी है? उत्तर पद प्राधान्यम देखना पड़ेगा पहले। तो तत्पुरुष में क्या है कि पुरुष करके उत्तर पद है, देवदत्त, तो अभी देवदत्ता गच्छति, कहेंगे देवदत्त जा रहा है। तत्पुरुष देवदत्त गच्छति, तत्पुरुष माने राजपुरुष करके समझ लीजिए, राजपुरुष। तो राजा का पुरुष, राजपुरुष पुरुष गच्छति करके अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा? तत्पुरुष देवदत्त गच्छति, देवदत्त गच्छति, पुरुष गच्छति न वा, पुरुष जा रहा है कि नहीं जा रहा? देवदत्त पुरुष है कि नहीं है? देवदत्त पुरुष है, उत्तर पद प्रधान हो गया कि जो पुरुष है देवदत्त है वही पुरुष है। बिजली चली गई तो ये नहीं होगा क्या, प्रकाश नहीं होगा मुझ पर। तो पुरुष देवदत्त पुरुष गच्छति, इसलिए तत्पुरुष जो है वो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष शब्द। और बहुरी क्या समास है? बहुरी ही, बहुरी समास है। देखिए तत्पुरुष नाम जो दिया है, तस्य पुरुषः गच्छति, तस्य कस्य अपि, राज्ञः वा कहेंगे, राज्ञो वा, अगर राजा का नाम कहेंगे यज्ञदत्त, यज्ञदत्तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः यज्ञदत्त पुरुषः, यज्ञदत्तस्य, तस्य यज्ञदत्तस्य पुरुषः देवदत्त गच्छति। पुरुष माने ये राजा का आदमी है, मंत्री का आदमी नहीं कहते, मंत्री का। अभी तो इलेक्शन इत्यादि का भी समाप्त हो गया, तो अरे ये तो उसका आदमी है, मंत्री का आदमी है, इसका आदमी है, इसीलिए कहते हैं कि इससे बच के रहना या इससे काम हो जाएगा, उसका आदमी उसको कहने से हो जाएगा। मंत्री का आदमी है, राजा का आदमी है, इसे इसको तत्पुरुष कहते हैं। और तत्पुरुष, तत्पुरुष समास ही होगा, इसीलिए संज्ञा है वैसे तो। तत्पुरुष शब्द जो है वही तत्पुरुष समास भी है, वैसा ही नाम आया है। और बहुरी ही क्या है? बहुरी, बहुरी समास ही शब्द। अन्य पदार्थ पुरुष, अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पद प्रधान, अन्य
प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान है, हाँ तो अन्य, बहुव्रीही है। हाँ अन्य, देखिए अन्य पदार्थ प्रधान नहीं कहेंगे, अन्य पद प्रधान ना, अन्य पद प्रधान। हाँ अन्य पदार्थ कहेंगे, पदार्थ तो इसका भी बन जाएगा, पदार्थ को भी कह सकते हैं अन्य पदार्थ प्रधान। हाँ ठीक है, अन्य पद अर्थ प्रधान, अन्य पद जिससे, नहीं देखिए हाँ क्या होगा ना, देखिए अन्य पदार्थ कह देंगे, अभी देखिए बहुरी ही जो है नो, पदार्थ यहाँ पर, यहाँ पर पदार्थ सब्सटेंस के अर्थ में नहीं है, पद का अर्थ, पदस्य अन्य पदस्य, पदार्थ का अर्थ ही अन्य पदस्य अर्थ है, पदार्थ के, पद के अर्थ में ही होता है, अन्य पदस्य अर्थ है, पदस्य अर्थ है, अन्य पदस्य अर्थ है, अर्थ जो है पदार्थ, जब भी शब्द का प्रयोग होता है पदार्थ माने वो जो पद का अर्थ है उसी अर्थ में आता है पदार्थ शब्द, अन्य पद से अर्थ है प्रधान, तो अन्य पद से अर्थ कहेंगे तो क्या होगा ना, कह सकते हैं अन्य, अन्य पदार्थ, ठीक है अन्य पदार्थ प्रधान कह दिया तो ये क्या होगा ना, देखिए बहुत ही माने धान्य, जो धान्य तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं व्रीही देवदत्ता, व्रीही है क्या, धान्य है देवदत्ता, देवदत्ता गच्छति, कैसा देवदत्ता, उसमें विशेषण जोड़ दिया, बहुरीहि ही देवदत्तः गच्छति, देवदत्ता गच्छति, देवदत्ता जा रहा है, तो बहु और व्रीहि में, व्रीहि उत्तर प्रधान पद जो है, व्रीहि, व्रीहि माने धान्य, राइस, देवदत्ता राइस है क्या, देवदत्ता धान्य है, तो वो बहु धान्य वाला है, वो बहु धान्य वाला है, जिसके पास बहुत धान्य है, बहु धान्य वाला है, इसीलिए अन्य पद प्रधान हो गया, इसीलिए क्या तत्पुरुष नहीं हो पाएगा, उसके बाद देखेंगे कि उसका विग्रह वाक्य कैसा होगा, तो इसलिए बहु व्रीहि या व्रीहि, व्रीहि हो जाएगा, व्रीहि पुल्लिंग है क्या, व्रीहया, बहवः व्रीहया यस्य, जिसके पास बहुत धान्य है वो देवदत्त क्या है, बहुरी, तो देवदत्त व्रीही नहीं है, देवदत्त बहुरी ही है, इसीलिए दोनों मिलके जो समस्त पद होगा उसका अर्थ पदार्थ होगा, पर एक एक अर्थ, एक एक पद का अर्थ देवदत्त नहीं होगा, समस्त पद का अर्थ देवदत्त होगा, पर पहले इसमें कैसे पुरुषा उत्तर पद का जो अर्थ है वही देवदत्त का अर्थ है, देवदत्त पद और पुरुष पद जो है दोनों समानाधिकरण्य में है, इसलिए पद प्राधान्य क्या है, उत्तर पद प्राधान्य कह देंगे, पद भी पदार्थ भी, पद पदार्थ दोनों, और इसमें क्या है कि अन्य पद और अन्य पदार्थ उसके साथ अन्वय होगा, दोनों का अन्वय होगा, दोनों शब्द मिलकर समस्त पद का बहुव्रीहि गच्छति हो जाएगा, पर व्रीहि गच्छति तोड़कर व्रीहि गच्छति उत्तर पद के साथ नहीं कर सकते अन्वय, वैसे ही यहाँ पे क्या है, देखिए पूर्व जो पद है विचार पूर्व, अगर क प्रत्यय हो ना हो, क जोड़ देते हैं क्योंकि समझ में आ जाए, अधिकतर क्या है कि लंबे लंबे समास जो तार्किक होते हैं उसमें क जोड़ देते हैं समझ में आए, जैसे प्रति कह देंगे कि प्रतियोगी क, क जोड़ देंगे प्रति, प्रतियोगिता क करके जोड़ देंगे, तो क लंबे लंबे समास में तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, पर दिया है कि थोड़ा सहज हो जाए, इसीलिए क्या है विचार पूर्व, विचार और पूर्व दो पद है, ये पूर्व और स्वरूप सामानाधिकरण्य में है क्या, अगर मैं कहूँगा स्वरूपम अस्ति या सोचिए स्वरूपम दृश्यते, स्वरूप दिख रहा है, तो पूर्व अगर कहेंगे पूर्व स्वरूप का अर्थ पूर्व नहीं है कि स्वरूप दिख रहा है, पहला दिख रहा है, ऐसे तो अन्वय नहीं होगा कि स्वरूप देखो, पूर्व देखो करके नहीं कहे, पूर्वम पश्य, स्वरूपम पश्य कहेंगे, पूर्वम पश्य नहीं कहेंगे, पूर्वम और स्वरूपम समानाधिकरण में नहीं है, एक ही अर्थ नहीं है, स्वरूप का जो अर्थ है वे पूर्व का अर्थ नहीं है,
इसीलिए क्या है कि ये तत्पुरुष नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या पूर्व माने पहले, विचार, तो विचार पूर्व पुल्लिंग है विचार, इसलिए पूर्व पुल्लिंग में होगा। विचार पूर्व किससे पहले, आकांक्षा क्या होगी किससे पहले, विचार पहले, पहले विचार पहले करोगे तो आप क्या कहेंगे किससे पहले करो, किससे, ये क्या आकांक्षा है, पंचमी आकांक्षा है। कस्मात पूर्व विचार, कस्मात पूर्व विचार, तो क्या कहेंगे कस्मात पूर्व स्वरूपात पूर्व। अच्छा, तो इसीलिए क्या हो गया स्वरूप मान्य पद हो गया। तो विचार पूर्व यस्मात, कस्मात स्वरूपात, स्वरूप ज्ञान वस्तुतः। तो विचार पूर्व यस्मात स्वरूपात स्वरूप ज्ञानात, तत्स्वरूपम क्या हो गया विचार पूर्वम, उसमें क प्रत्यय जोड़ देंगे बौरी में, विचार पूर्वकम स्वरूपम। तो स्वरूप का ज्ञान जो है स्वरूप येषाम स्वरूपम विचार पूर्वकम यदा सम्यक विजानासी, जब ही तुम विचार पहले होना चाहिए, विचार पूर्वकम जब ही जानोगे, तो ये स्वरूप के साथ लेंगे इसको, पर विचार पूर्वकम करके इसको अगर क्रिया विशेषण करके समझ ले, उस अर्थ में आ रहा है सम्यक विजानासी, विचार पूर्वकम सम्यक विजानासी, अच्छी तरह जानोगे संशय रहित ज्ञान जब भी होगा, जैसे जानोगे कैसे विचार पहले होना चाहिए, नहीं तो स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। स्वरूप कैसे जानोगे, बिना विचार का स्वरूप जो है, अगर इसको इसको हटा देंगे, स्वरूपम सम्यक विजानासी अच्छी तरह से जानता हूँ पर विचार पूर्वक नहीं, मनन सिद्ध नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऐसे संशय आएंगे। इसलिए कहते हैं विचार पूर्वकम स्वरूपम, ऐसा स्वरूप जो विचार से पहले, विचार पहले जिससे हो चुका है, जिसके पहले हो चुका है, वैसे स्वरूप का ज्ञान जो प्राप्त करोगे तदा त्वदीय संदेहानाम समाधानम तुम स्वयं इव जानीयाः। जानीयाः कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है जानीयाः, तुम है तुम जानीयाः, तुम तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही होगा, तुम कह दिया ना तुम जानीयाः, तो युष्मद्युपपदे स्थानिन्यपि मध्यमाः, तो मध्यम पुरुष ही होगा, तो मध्यम पुरुष एक वचन है जानिया, तुम एक वचन में, इसलिए एक वचन हो जाएगा, कौन सा लकार है विधिलिंग है जानियाः। तो क्या कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा तभी संभव होगा, शक्यार्थे शक्यार्थे लिंग भी ले सकते विजय लिंग, त्वदीय संदेह नाम समाधानम तुम स्वयं ही वह जानिया, अपने आप जान लोगे तभी संभव होगा, तभी अपने आप जो विचार पूर्वक होगा तभी, क्या कि शास्त्र अपने आप अपना अर्थ दिखा देते हैं, विचार करोगे तो शास्त्र अपने आप अपना अर्थ दिखा देते हैं, श्रवण हो गया है, मनन करोगे मनन जब भी करोगे तभी, बार बार श्रवण करोगे या एक बार कर भी अपने आप मनन करोगे तो भी क्या होगा स्वयं ही वह जानिया। शास्त्र और आचार्य दिखा रहे थे कि मनन कैसे करना है, पूर्व पक्षी पक्ष उठाकर दिखा रहे थे समाधान कैसे देना है इसका तर्क के द्वारा, पर करना तो हमको ही है, हमें ही करना है, आचार्य तो हमारे लिए मनन नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या कहते हैं स्वयं ही वो जानिया, जानोगे कभी जब भी विचार पूर्वकम स्वरूपम सम्यक विजानासी, क्या स्वयं ही वो जानिया समाधानम, किसका समाधान, त्वदीय संदेहानाम, जो तुम्हारे अपने संदेह है वो अपने आप सुलझ जाएंगे, तुम अपने आप उसका तोड़ जान लोगे कभी जब भी विचार से स्वरूप जानोगे, अपना ही स्वरूप जब भी विचार के द्वारा जानोगे, विचार पूर्वक जानोगे तभी क्या होगा अपने संदेह का समाधान तुम ही जान लोगे स्वयं ही, क्योंकि शास्त्र ने तो अपना काम कर दिया, आचार्य ने अपना काम कर दिया, तुम्हें मनन करना है करके कह रहे हैं,
अतः तेषां स्वरूपम मया अभिधीयमानम अवधारय। इसीलिए वो स्वरूप क्या है जिसमें विचार करना है, विचार पूर्वक होना चाहिए। पहले स्वरूप को जान लो, उसके बाद क्या है कि विचार पूर्वक स्वरूप को जान लो। स्वरूप के पहले स्वरूप का ज्ञान, विचार पूर्वक स्वरूप कैसे जानोगे कि विचार पूर्वक तब जानोगे जो स्वरूप क्या है वो पता चलना चाहिए, उसके बाद विचार करोगे उसके ऊपर। विचार किस पे करना है वो तो पता चले पहले। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि अतः तेषाम स्वरूपम, तेषाम केषाम, ये जो बताया है कूटस्थ जीव ईश्वर और ब्रह्म, इन सभी का जो स्वरूप है वो जब ही विचार पूर्वक जानोगे तभी अपना स्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में माने इन सबको लेकर भिन्न भिन्नता जो होगी वो तुम्हारे स्वरूप को लेकर ही भिन्नता हुई है उसमें संशय आया है। इसलिए ये सब ठीक से जब जान लोगे विचार पूर्वक तो वो सब भेद हट जाएंगे और अपने स्वरूप में निश्चय हो जाएगा और समाधान अपने आप मिल जाएगा करके कह रहे हैं। इसीलिए तेषाम वो चारों का चतुर्विधानाम स्वरूपम मया अभिधीयमानम अवधारय, इसको ठीक से समझ लो। अवधारय ये क्या, ये क्या पद है अवधारय? This is also विधि, विधि और लोट। विधि अर्थ में है पर लकार कौन सा? लोट। ये तो लोट है, लोट है। लकार मध्यम पुरुष है, एक वचन। अधिकतर यहाँ पे क्या है कि वो तिंग प्रत्यय नहीं दिखता, अवधारय तिंग प्रत्यय सी नहीं दिख रहा, सो आ जाता है या तो लोप हो जाता है उसका। तदधिगमेन जब ही मैं अभी बतला रहा हूँ नाम और उसका विश्लेषण करूँगा नाम को लेकर, उसके जानने के जानने से तदधि गमेन तव निस्संशय ज्ञानोदय द्वारा जन्मादि दुःखम निशेषम विनश्येत, तब क्या होगा तुम्हारे जो संशय है निस्संशय ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और निस्संशय ज्ञान के द्वारा अपने आप जो संशय चले गए तभी क्या होगा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञान में संशय नहीं रहा, इसलिए जो संशय उठाया उनका निवारण हो गया शंका का, तभी क्या होगा जन्मादि दुःखम निशेषम विनश्येत, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, जन्मादि दुःख संपूर्ण चला जाएगा, ऐसे कह रहे। तो चतुर्विधा आकाश वर्णन पहले करते हैं उसका वर्णन, चतुर्विधा आकाश वर्णनम उदाहरण पहले समझाते तब जाकर उदाहरण समझ में आएगा। एक अंक है इसमें कहाँ पे था, यहाँ पर है घटाकाश। तो कहते घटाकाश, घटाकाश पहला विधा बताया, पहला भेद बताया आकाश में, घटाकाश जलाकाश मेघाकाश और महाकाश ये चार है। तो घटाकाश पहले बतलाते क्या है, जलपूरित घटावस्थानाय यावान आकाशो अवकाशम ददाति तावान आकाशः घटाकाश इति पंडितैः उच्यते। ये घटाकाश क्या है तो देखिए एक घड़ा ले लीजिए, अगर घड़ा लिया है पानी भरने के लिए, गंगा जी से पानी लाना है, कितना पानी लाना है किसी ने पूछा, शिव जी पे पानी चढ़ाना है आपकी सेवाएं लेकर आइए, कितना लाना है पूछता है सेवक, तो बोलते हैं कि जितना पानी लाना है वो कह देते कि चलिए 5 लीटर लगेगा, कह दिया। तो 5 लीटर पानी लाना है तो कितने, अभी वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में, कितना बड़ा घड़ा चाहिए जिसमें 5 लीटर पानी आए, उतना बड़ा घड़ा चाहिए। तो जिसमें 5 लीटर पानी आए माने क्या कि उतनी घड़े में उतनी जगह होनी चाहिए, जगह ही अर्थ है, कितने घड़े में जितनी जगह है उसी को घटाकाश कहेंगे। घट में जितनी जगह है, कितनी जगह, जितना पानी लाना है उतनी जगह है। तो 5 लीटर पानी जितनी जगह में आते हैं उतना बड़ा घड़ा चाहिए, जैसे बकेट पे लिखा 15 लीटर का बकेट, 15 लीटर का बकेट माने क्या 15 लीटर पानी डाल सकते हो आप उसमें, या कुछ भी 15 लीटर डाल सकते हो उसमें, वो उसका अर्थ है। माने बकेट में आकाश कितना है उतना आकाश का अर्थ क्या है, किसी को आकाश का लक्षण पता है, आकाश का क्या लक्षण है, अवकाश प्रदात्र आकाशम, जो अवकाश देता है दूसरे को। अभी इसमें क्या अवकाश दे रहा है,
पानी रखने का अवकाश दे रहा है, तो घट में पानी रखने का जो अवकाश देता है उसको आकाश कहेंगे। कौन सा आकाश? घटा आकाश है। तो छोटा आकाश बड़ा आकाश हो पाएगा, क्योंकि घटक बड़ा छोटा माने क्या कि उतना जल ले पा रहे हो आप। एक लीटर पानी जिसमें आ सकता है, केवल एक लीटर, उससे अधिक नहीं आ सकता, उसको छोटा घट कहेंगे। और पाँच लीटर पानी जिसमें आ सकता है उसको क्या कहेंगे? बड़ा घट कहेंगे। इसीलिए उसको छोटा घटाकाश कहेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को बड़ा घटाकाश कहेंगे। ऐसे भिन्नता होती है व्यवहार में। इसीलिए कहते हैं जलपूरित घट अवस्थानाय, कि जलपूरित घट, कि घड़ा जो है पूरे पानी से भरना चाहिए। तो पूरा पानी से भरा हुआ घड़ा, पूर्ण कुंभ कहते हैं। सन्यासी आते हैं उनको पूर्ण कुंभ इसके स्वागत करते हैं। तो वैसे ये क्या है कि एक जलपूरित है घट। तो जलपूरित घट अवस्थानाय यावान आकाश, जितना आकाश चाहिए, जितनी जगह चाहिए, अवकाशम ददाती। देखिए अवकाशम ददाती, जितना आकाश जगह देता है उतने जल के लिए कि पूर्ण हो जाए, उस आकाश को क्या कहेंगे? तावान आकाश। उतने आकाश को क्या कहेंगे? उस घड़े के अंदर जो है उसको घटाकाश कहेंगे। एक ही घटा है, एक ही घड़ा है, एक ही घट है यहाँ पे उदाहरण में। इति पंडित रुच्यते, ऐसे पंडित कहते, ऐसे भेद करते। अब इस पे एक टिप्पण है, जल्दी देख लेते हैं और पन्ना पलट देते हैं। ननु घटात बहिः स्थिता आकाशो महाकाश, तस्मात भिन्न घटांतरवर्ती आकाश घटाकाश इति च प्रसिद्धि। तो क्या कह रहे पूर्व पक्षी? घटात बहिः स्थिता आकाश महाकाश, घड़े के बाहर जो आकाश है उसको महाकाश कहते। हमने भी उदाहरण पढ़े करके पूर्व पक्षी कह रहा है। तस्मात भिन्न, उससे भिन्न जो आकाश है वो क्या है? घटांतरवर्ती आकाश है। घट के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते, ऐसी प्रसिद्धि है। तत्र घटाकाश से प्रसिद्धम लक्षणम विहाय लक्षणांतर करणे किम प्रयोजनम इति चेत अत्र उच्यते। तो ये पंचदशीकार भगवान विद्यारण्याचार्य एक अध्याय में इस उदाहरण से बतलाते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, जहाँ पे अन्य कहीं भी ऐसा इतना ये जलाकाश इत्यादि नहीं देखा गया। घटाकाश और जलाकाश में भेद नहीं किया है, जलाकाश करके प्रयोग नहीं है, जैसे सामान्य भाष्य इत्यादि में देखते वहाँ नहीं आता है। पर भगवान पंचदशीकार क्या करते हैं, एक प्रक्रिया दिखलाते हैं जहाँ पे मेघ और जहाँ शुद्ध ब्रह्म, जहाँ एक उदाहरण में सभी आ जाए, जीव, जीव साक्षी, ईश्वर और ईश्वर साक्षी, चारों आ जाए, ऐसे उदाहरण में थोड़ा परिवर्तन करके दिखलाते हैं। ऐसे उदाहरण में परिवर्तन करके दिखलाए, ये उदाहरण पंचदशीकार का है, भगवान पंचदशीकार का। इसलिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ऐसे प्रसिद्ध तो नहीं है घटाकाश करके। आपने जल जिसमें जितने घट में आ जाए उसको जो अवकाश देता है उस आकाश को घटाकाश क्यों कह रहे हैं आप? केवल कह दीजिए घट के अंदर जो आकाश है वो घटाकाश, बाहर जो है महाकाश, ऐसे प्रसिद्धि है। आप ऐसा लक्षण क्यों बना रहे कि जलपूरित घट अवस्थान है, कि पूर्ण जल घड़े में भर जाए, वैसे जल के लिए जो अवकाश देता है उस आकाश को हम घटाकाश कह रहे हैं, ऐसा क्यों लक्षण कह रहे अप्रसिद्ध? तो कहते तत्र घटाकाश से प्रसिद्धम लक्षण विहाय, प्रसिद्ध जो लक्षण है उसको छोड़कर, उसका त्याग करके, विहाय, क्या धातु है पता है किसी को? विहाय, विपूर्वक ओहाक, ओहाक त्यागे, कि उसका त्याग कर लक्षणांतर करने किम प्रयोजनम इति चेत अत्र उच्यते, कि अन्य लक्षण करने के लिए क्या प्रयोजन है? ऐसे अभी प्रयोजन के बिना प्रसिद्ध त्याग क्यों करते आप? अप्रसिद्ध क्यों ले आते? कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो प्रसिद्ध ही ले लीजिए। तो प्रयोजन बताइए। तो उच्यते, क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं घटांतरवर्ती आकाश घटाकाश इति प्रसिद्ध लक्षण स्वीकारे स्वीकारे सत्य। अगर हम ऐसा स्वीकार करें कि प्रसिद्ध उदाहरण ही ले लें कि घट के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश अगर कह दे, घटो यत्र वर्तते सा आकाश पंचम कपालाश इति वक्तव्यम भवेत। तो क्या कहते हैं? घट यत्र वर्तते, जहाँ घट है सा आकाश पंचम कपाल आकाश कहना पड़ेगा, कि हम चार आकाश ले रहे हैं, अगर घट के अंदर जो आकाश है उसको पांचवा मानना पड़ेगा, क्योंकि जो उदाहरण अभी देंगे, जो विश्लेषण करेंगे प्रक्रिया में, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है।
तो हमें पांचवा मानना पड़ेगा, पांचवा का, सो इसीलिए उसको मान नहीं रहे, क्योंकि हमारे उदाहरण में कोई प्रयोजन नहीं हो, हमारे उदाहरण में जिसका प्रयोजन है वैसे लक्षण बनाए हैं, ऐसे बतला रहे, वो आगे सिद्ध हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। सच पंचम प्रकार आकाश शास्त्र अप्रसिद्ध करके कह रहे हैं, शास्त्र में वो पंचम प्रकार अप्रसिद्ध है शास्त्र में। तो ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि भगवान विद्यारण्याचार्य ने वैसे पांचवा आकाश नहीं लिया है, चार ही लिया, ऐसा ले सकते। सिद्धांत आरंभवाद अनंगीकार, तो क्या कहते हैं कि सिद्धांत में आरंभवाद नहीं माना गया। आरंभवाद माने आकाश उत्पन्न हो गया करके नहीं मानते, हम किसी की भी उत्पत्ति नहीं मानते, आरंभ हो गया। इसीलिए घट बनाने पर घट के अंदर आकाश की उत्पत्ति हो रही है करके नहीं मान रहे। तो क्या कह रहे हैं, घट के अंदर कितनी जगह है उस जगह को लेकर हम भेद कर रहे हैं, कि पानी रखने की जगह को मान रहे, कि घट पूरा भर जाए वैसा जो है उसको घट के अंदर का आकाश नहीं कह रहे। कहीं भी लक्षण में है, देखिए लक्षण में क्या कह रहे हैं, लक्षण में कई घट के अंदर का आकाश करके नहीं किया, घट अंतर्गत आकाश करके नहीं आया। जल पूरी तक घट अवस्थान आए यावान आकाश अवकाशम दधाति, तो क्या कह रहे, एक ही आकाश ले लीजिए, एक ही आकाश को घड़ा पूर्ण करने में एक घड़ा ले लीजिए, घड़ के अंदर की बात नहीं कर रहे। घट में पानी लाने के लिए कितना आकाश चाहिए, उतना आकाश जो है उसको हम घटा आकाश कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि उसका प्रमाण बता रहे हैं उससे भेद कर रहे करके, ये नहीं कह रहे कि घट बनने से आकाश में भेद हो गया करके, नहीं कर रहे। वो कहने से आरंभवाद हो जाएगा करके ऐसे सोचकर दोष देख कर क्या कर रहे हैं, उदाहरण ही बदल दिए उन्होंने। तो कहते सिद्धांत आरंभवाद अनंगीकारात्, तस्माद इदम द्वितीय लक्षणम आश्रितम साधु। तो कहते कि ये लक्षण है जहां पे घट अंतर्वर्ती ऐसे आकाश नहीं कर रहे, अर्थ तो वही हो जाएगा, पर हम ये लक्षण में नहीं ला रहे कि घट के द्वारा आकाश में भेद नहीं कर रहे। जल लाने के लिए जितना अवकाश देने वाला आकाश है उतने आकाश को घटाकाश कह रहे हैं हम, तो ऐसे नाम से भेद कर दिया, किंतु हमने शरीर को लेकर भेद नहीं किया करके कह रहे हैं, इसलिए साधु लक्षण है करके कह रहे हैं। आगे पन्ना पलट कर रोक देते पाठ को, जलाकाश। तो इसमें एक ये क्या कहते हैं, जलाकाश क्या है, जलपूर्णे घटे नक्षत्रादि सहित आकाश प्रतिबिंबति, तादृश आकाश प्रतिबिंबो घटाकाश घटाकाशश्च इति उभयम् मिलित्वा जलाकाश इत्युच्यते। अभी जलाकाश क्या है, जलाकाश कहते हैं जलपूर्णे घटे, अभी जलपूर्ण घट है, घट में जितनी जगह चाहिए कि जल पूर्ण हो जाए उस आकाश को कह दिया घटाकाश। अभी कहती है कहते हैं कि उसमें उतना पानी ला ली, लाने के बाद क्या हो गया, घट जल पूर्ण है, उस जल पूर्ण घट में अभी रात का उदाहरण ले रहे, सुबह का नहीं, आपने रख दिया रात्रि समय में जल पूर्ण घट बाहर रख दिया, उसमें नक्षत्र दिखेंगे, प्रतिबिंब होगा पानी में, नक्षत्र का प्रतिबिंब होगा आकाश में जो है, केवल नक्षत्र का होगा कि आकाश का भी होगा। इसलिए देखो उदाहरण में क्या होता है कि सूर्य का प्रतिबिंब और चंद्र का प्रतिबिंब कह रहे थे उदाहरण में, प्रसिद्ध उदाहरण में, यहाँ पे उसमें शोधन किया है, क्या कहते हैं, केवल आपको सूर्य और चंद्र दिख रहा है क्या। जब भी आप देखिए प्रकोष्ठ में आते हैं, रूम में आ गए तो क्या कहते हैं, अच्छा रूम में क्या क्या है, गिनते हैं, क्या क्या गिनते हैं रूम में, सब आपने गिन लिया कि रूम में चार व्यक्ति बैठे हैं, एक पंखा है, एक टेबल है, चार कुर्सियां हैं, और क्या है, ये माइक है, ये है, सब गिन लिया आपने, प्लेट रखा हुआ है, खाना रखा है, कोई आकाश की चर्चा करता है क्या कि उसमें आकाश भी है, कोई नहीं बात कर, प्रकाश की बात करता है क्या, नहीं करता, प्रकाश भी है कि नहीं है, प्रकाश तो है, आकाश भी है, पर बात नहीं करता, इसीलिए क्या प्रसिद्ध उदाहरण में उसकी चर्चा नहीं होती है, सूर्य दिखता है उसके प्रतिबिंब की बात होती है क्योंकि उसमें उसका प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि नक्षत्र दिख रहा है, ठीक है, सूर्य की जगह नक्षत्र ले लिया क्योंकि उदाहरण भिन्न दिखना भी चाहिए, सूर्य को लेकर होगा थोड़ा मोह हो सकता है कि अरे उस उदाहरण में नहीं है, इस उदाहरण में क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कि
नक्षत्र आदि का उदाहरण लेते हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि बोल सकते हैं नक्षत्र आदि पद से, नक्षत्र प्रतिबिंबित हो रहा है उतना ही उदाहरण नहीं है, नक्षत्र आदि सहित आकाश प्रतिबिंबती। तो कह रहे हैं कि नक्षत्र वगैरह दिख रहे पर वो तात्पर्य नहीं है, आकाश दिख रहा है, आकाश में नक्षत्र है, वो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, वो और वो आकाश कैसे प्रतिबिंबित हो रहा है, नक्षत्र सहित है। तो जल में आकाश को जो प्रतिबिंब हो रहा है वो उदाहरण में उस अंश को ले रहे, जो नक्षत्र सहित आकाश है, तारे जो दिख रहे हैं जल में वो तारे नहीं दिख रहे, आकाश दिख रहा है, आकाश में तारे हैं उसका प्रतिबिंब हो रहा है। तो आकाश जो नक्षत्र सहित तारे के तारों को लेकर है उसका प्रतिबिंब हो रहा है, ना कि नक्षत्रों का सीधे तारों का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं उसका प्रतिबिंब हो रहा है जल में, कहाँ कौन से जल में, जल पूर्ण घट में, घट में हो रहा है जो जल से पूर्ण है। तादृश आकाश प्रतिबिंब, उस आकाश के प्रतिबिंब को क्या कह दिया, तादृश आकाश प्रतिबिंब घटाकाशश्च। अभी वो प्रतिबिंब हो गया, उस आकाश का प्रतिबिंब हो गया, पर घट में पहले से आकाश है कि नहीं है, कौन सा आकाश है, वो जल पूर्ण होने के लिए घड़ में जो अवकाश देता है वो आकाश भी है, और अभी दूसरे आकाश का प्रतिबिंब हो गया, दूसरे आकाश का नहीं एक ही आकाश है, जो आकाश है जो जिसमें जल भरा है आपने, उस आकाश को लेकर जो संपूर्ण आकाश जिसमें नक्षत्र का प्रतिबिंब, नक्षत्र है उसका प्रतिबिंब हो रहा है। तो घट में जो जल पूर्ण करने के लिए जो आकाश था और जल में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो दोनों, उस दोनों आकाश में भेद कर सकते हैं क्या अभी? तो इसलिए क्या के दोनों आकाशों को मिलके, जैसे दो आकाश है उभयम मिलित्वा जलाकाश है इत्युच्यते, दोनों को मिलकर जलाकाश करके कह रहे हैं। तो घटाकाश आ गया उसमें, तो ये दोनों प्रतिबिंब, आकाश का प्रतिबिंब और आकाश जो जल पूर्ण करने के लिए जो आकाश है उस घटाकाश को लेकर जलाकाश बन गया। अब इसका आगे और बाकी भी विश्लेषण करेंगे और इस उदाहरण को लेकर उदाहरण में भी जाएंगे, अगले पाठ में देखेंगे, कल और परसों दोनों पाठ होगा भगवान के का अनुग्रह होगा। तो इसमें दो नंबर टिप्पण है वो अगले पाठ में देखेंगे। सुकं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं नित्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेवाहन्नमत्तो निरति में निश्चिता मति। कोई प्रश्न है क्या, विचार कीजिए इस पे, आगे विचार तो कल आगे और होगा, फिर देखेंगे, ठीक है।